नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज मैं आपको प्रत्याहार बताने वाली हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको माहेश्वर सूत्र के बारे में बताया था। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। तो आज हम जानेंगे प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो प्रत्याहार किसे कहते हैं, वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहते हैं। किसे कहते हैं, वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहते हैं। वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहते हैं। तो जिससे वर्णों का संक्षेप कर दिया जाए, और वर्णों का संक्षेपण अर्थात संक्षेप, जिससे वर्णों का संक्षेप किया कर दिया जाए, केवल दो वर्णों से ही अनेक वर्णों का बोध कराया जाए। अर्थात बोध अर्थात ज्ञान कराया जाए। दो वर्णों के अंतर्गत कई वर्ण आए, यानी दो वर्णों से अनेक वर्णों का बोध कराया जाए, तो क्या होते हैं, प्रत्याहार कहलाते हैं। तो इसका प्रत्याहार विधायक सूत्र आता है आदिरंतेन सहेता। ये सूत्र क्या कहता है कि आदिरंतेन, आदि से लेकर अंत तक के, सहेता यानी साथ में, यानी मध्यवर्ती जो वर्ण होते हैं, आदि से लेकर अंत तक के मध्यवर्ती वर्ण जो होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। आदि से लेकर अंत तक के मध्यवर्ती वर्णों को प्रत्याहार कहते हैं। ये कौन सा सूत्र होता है, प्रत्याहार विधायक सूत्र। पेपर में पूछता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना है आदिरंतेन सहेता। आदि से लेकर अंत तक के मध्यवर्ती वर्ण जो भी होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम प्रत्याहार पढ़ रहे हैं तो इसमें ये माहेश्वर सूत्र क्यों लिखे गए हैं। क्योंकि इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि प्रत्याहार का निर्माण जो हुआ है वो माहेश्वर सूत्रों से ही हुआ है। प्रत्याहार माहेश्वर सूत्रों से ही बनाए जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्र 14 होते हैं, इन्हीं में से प्रत्याहार बनते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रत्याहार कितने होते हैं। तो महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार 42 होते हैं। कितने होते हैं, प्रत्याहार 42 होते हैं। अर्थात महर्षि पाणिनि ने प्रत्याहारों की कितनी संख्या बताई है, 42। प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई है। एग्जाम में पूछता है कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो हमें क्या बताना है, 42। तो अब प्रत्याहार कैसे बनते हैं, किस प्रकार बनते हैं और प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं, ये अब हम जानेंगे आगे। तो सबसे पहले इन माहेश्वर सूत्रों में जो अंतिम वर्ण हल है, इनकी हलंतेम से इत संज्ञा कर देंगे और तस्यलोपा से इनका लोप हो जाएगा, तो इन वर्णों की गणना नहीं करेंगे। प्रत्याहारों में भी इन वर्णों की गणना नहीं होती है। तो ये जो अंतिम हल है, इनकी हलंतेम से इत संज्ञा और तस्यलोपा से लोप हो जाता है। जिन वर्णों का लोप हो जाता है उन वर्णों की गणना नहीं की जाती है। तो अब हम जानेंगे कि प्रत्याहार कौन कौन से होते हैं और कैसे बनते हैं। तो जैसे हमारा पहला प्रत्याहार है अच, पहला प्रत्याहार ने क्या मान लिया, अच, और दूसरा अण। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं और अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो हम माहेश्वर सूत्रों को याद करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि हम माहेश्वर सूत्र नहीं याद करेंगे तो ना ही हम स्वर व्यंजन का पता लगा सकते हैं और ना ही प्रत्याहार बना सकते हैं।
अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं वो हम कैसे पता लगाएंगे। हमने आपको बताया था अभी कि आदि रंतेन सहेता, आदि से लेकर अंतिम वर्ण तक के मध्यवर्ती वर्ण को प्रत्याहार कहते हैं। तो इसमें आदि वर्ण कौन सा है? आ, और अंतिम वर्ण च। तो आ और च के जो आ और चा तक के जो मध्यवर्ती वर्ण हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। कैसे आएंगे? आ वर्ण कहाँ से स्टार्ट है? यहाँ से। तो आ वर्ण से लेकर के च वर्ण तक की आ ई उ रील री ए ओ ए औ, ये क्या है? च है। तो यहाँ तक के जितने भी वर्ण हैं वो सभी अच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से आएंगे? पहला वर्ड आएगा अच के अंतर्गत आ से लेकर, यानी आ भी आएगा प्रत्याहार में। तो आ के बाद कौन सा है? ई है, उ है, और इसके बाद में है ड। तो ड वर्ण की क्या हो गई है? हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोपा सूत्र से उसका लोप हो गया है। तो इसलिए हमें यहाँ पर हल वर्ण की गणना नहीं करनी है। तो आ ई उ, उसके बाद आएगा री और ली, री और ली, फिर उसके बाद ए ओ, ए ओ आई और औ, औ के बाद क्या है? च। तो यहाँ अंतिम तक के जो पहले के वर्ण हैं, मध्यवर्ती वर्ण है, वही तक की हमें लिखना है। तो अंतिम वर्ण इसमें क्या है? च। तो च के पहले तक क्या है? औ। तो हमें औ तक ही लिखना है। तो अब हम जानेंगे अच प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं। आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ, ये अच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अगला हमारा प्रत्याहार है अण। तो अण प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ वर्ण से लेकर ण तक के मध्यवर्ती वर्ण जो हैं वो अण के अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन से हैं अण? यहाँ पर पहला वर्ण है अ और अंतिम वर्ण है ण। तो अ और ण तक के मध्यवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं? आ ई उ, ये कितने वर्ण है? तीन। तो यही वर्ण जो है अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। कौन कौन से? आ ई उ, ये वर्ण अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। आ और ड तक के मध्यवर्ती वर्ण जो होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। तो ड जो होता है वो हल वर्ण होता है, इसकी इत संज्ञा हुई है तो इसकी गणना नहीं की जाएगी। ड के पहले तक के जो वर्ण हैं आ ई उ, ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। और कौन कौन से प्रत्याहार होते हैं? हमने आपको अच प्रत्याहार बताया, अण प्रत्याहार बताया, और प्रत्याहार होते हैं एच होता है, एच प्रत्याहार, ऐच प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार और झल प्रत्याहार। तो अब हम जानेंगे कि एज प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो एज प्रत्याहार ए यहाँ से स्टार्ट है और च अंतिम वर्ण ये है, और पहला वर्ण ए है और अंतिम वर्ण च है। तो इसके ए से लेकर के जितने भी मध्यवर्ती वर्ण होंगे वो एज प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो कौन कौन से वर्ण हैं? ए ओ आई और औ, ये वर्ण एज प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ए आई ओ और औ, ये वर्ण एज प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अब हमारा अगला प्रत्याहार है ऐच। तो ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? तो ऐ यहाँ से है और च यहाँ अंतिम वर्ण है, ऐ प्रथम वर्ण है। तो ऐ और च के मध्यवर्ती वर्ण तक की कौन कौन से वर्ण है? ए और औ। तो ए और ए और औ, ये ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे, क्योंकि ये प्रथम वर्ण है और ये अंतिम वर्ण है। इनके मध्यवर्ती वर्ण तक की, आदि से लेकर मध्यवर्ती वर्ण तक की जो भी होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। तो ऐ औ जो है वो ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा प्रत्याहार है एंग। तो एंग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे? ये है ए ओ और ng। तो एंग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आए? प्रथम वर्ण ए और ओ मध्यवर्ती वर्ण है। ग क्या है?
ये हल वर्ण है तो इसकी गणना नहीं की जाएगी, तो इसलिए एंग के अंतर्गत आएंगे ए और ओ वर्ण, ए वर्ण और ओ, ए ओ एंग प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अगला हमारा प्रत्याहार है झल, तो झल यहाँ से शुरुआत होता है, आदि वर्ण है झ, और ल कहाँ पर आता है, ये है ल वर्ण यानी अंतिम वर्ण। तो झ से लेकर के ल तक की जो मध्यवर्ती वर्ण हैं वो झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, जो बीच में हल वर्ण हैं इनकी गणना नहीं की जाएगी। तो कौन कौन से वर्ण आते हैं, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह, ये आएंगे झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण। देखिए कैसे झल प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, झ से हमें शुरुआत करना है, झ भ लाक्या को हम छोड़ देंगे क्योंकि ये हल वर्ण है, इसके बाद आएगा घ ढ ध, उसके बाद आएगा ज ब ग ड द, फिर ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स और ह, ये आएंगे झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण ह वर्ण। तो ये क्या है, झ से लेकर के ला तक के मध्यवर्ती वर्ण है, इन वर्णों को हल वर्णों को छोड़कर। तो झ भ झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स स ह, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं। अब हम देखेंगे अगले प्रत्याहार, जैसे कि है यड़ प्रत्याहार, यई प्रत्याहार, झष प्रत्याहार और होते हैं। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यह वर्ण हमारा प्रथम वर्ण है, या से लेकर के णा तक की, ये णा है, या व र और ला, ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे। तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, या व र और ला, ये यड प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो या यहाँ से शुरुआत हुआ है, आदि वर्ण या है, तो या से लेकर के ड तक के जितने भी वर्ण आएंगे वो यड प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। अगला हमारा प्रत्याहार है यई प्रत्याहार, तो यई प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, या वर्ण से, या यानी आदि वर्ण या है, तो या से लेकर के या तक के जितने भी वर्ण हैं वो यड प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, या व र ल न्या म ग ड न झ और भ, ये यही प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे, या व र ल, फिर कौन सा आएगा, या उसके बाद म ग ड न और झ और भा, ये आएंगे यही प्रत्याहार के अंतर्गत। यही प्रत्याहार के अंतर्गत या से लेकर के यहाँ तक के जितने भी मध्यवर्ती वर्ण हैं वो यही के अंतर्गत आएंगे, या व र ल या म ग ड न झ और भा, ये आएंगे यही प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण। अगला प्रत्याहार है झस प्रत्याहार, तो झस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, झ से लेकर के श तक के मध्यवर्ती वर्ण, तो झ से लेकर के झ यहाँ से है और श तक के मध्यवर्ती वर्ण, तो कौन कौन से हैं, झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द श, अंतिम वर्ण है तो इसके पहले वर्ण तक के, तो झस के अंतर्गत आएंगे छ भ घ ढ ध
छह प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि प्रत्याहार किसे कहते हैं। तो वर्णों के संक्षेपण को प्रत्याहार कहा जाता है, जिसे वर्णों का संक्षेप कर दिया जाए और दो वर्णों से अनेक वर्णों का बोध कराया जाए, बोध अर्थात ज्ञान कराया जाए, उन्हें प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है? आदिरंतेन संहिता। मैंने आपको भी बताया था आदिरंतेन संहिता, यानी कि आदि से लेकर के अंतिम, आदि से लेकर के अंतिम वर्ण तक के मध्यवर्ती वर्ण जो होते हैं वो प्रत्याहार कहलाते हैं। आदिरंतेन संहिता सूत्र कैसा होता है? प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है। यदि एग्जाम में आपसे पूछा गया कि प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है, तो आपको बताना है आदिरंतेन संहिता। और इसमें हमें प्रत्याहार 42 होते हैं ये याद रखना है। यदि पेपर में पूछा गया कि प्रत्याहार कितने होते हैं, तो आपको बताना है प्रत्याहार 42 होते हैं। कौन कौन से होते हैं इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसमें ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से होते हैं। सिर्फ हमें ये समझना है कि कौन से प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन वर्ण आते हैं। तो इसके लिए हमें माहेश्वर सूत्र याद करना बहुत ही आवश्यक है। माहेश्वर सूत्र को याद किए बिना हम प्रत्याहार नहीं बना पाएंगे, और उनका निर्माण माहेश्वर सूत्रों से ही हुआ है। तो माहेश्वर सूत्र याद करने के पश्चात हम प्रत्याहार आसानी से बना सकते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार किस प्रकार बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब किए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।